सुबह के 3 बजे हैं। इंडियन नेवल एकेडमी में और दिनों के मुकाबले इन कैडेट्स की सुबह आज जल्दी हुई है। वो यहां से जाएंगे एक अहम कॉम्बैट ट्रेनिंग कैंप के लिए। कैंप पार्टी मस्टर्ड एंड प्रोक्रेट सर, टोटल रन स्ट्रेंथ 194 सर। टारगेट कमांडर टेक चार्ज एंड कंडक्ट एक्सरसाइज। एकेडमी में इस वक्त करीब 1200 कैडेट्स हैं, जिन्हें 6 स्क्वाड्रन्स में डिवाइड किया गया है। हर टीम का मकसद है पॉइंट्स जीतना, जो बाद में टर्मेंट चैंपियनशिप बैनर पाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये स्क्वाड्रन्स एक दूसरे से तमाम एक्टिविटीज में कंपीट करते हैं, जैसे कि इस ट्रेनिंग कैंप में। लेफ्टिनेंट कमांडर हरिओम भारद्वाज कैंप के रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं। पहला चैलेंज है 25 किलोमीटर का नेविगेशन रन। टीम्स को कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। कंपीटिंग टीम्स फॉरेन मैप पर अपनी पोजीशन मार्क करती हैं। यहाँ टाइम ही सब कुछ है। ऑल ऑफ योर राइफल्स अप। जल्दी से एम्युनिशन मैगजीन चेक की जाती है और फिर कैंप की चीजें। मैप वन मैप इन सर। स्ट्रेचर वन स्ट्रेचर इन सर। ओके गाइस ऑल रेडी? यस सर। आई डोंट वांट एनी कैडेट लैगिंग बिहाइंड। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। आओ द जोश। हाय सर। हाय सर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टीम्स दौड़ पड़ती हैं। उनका टारगेट है 25 किलोमीटर दूर मौजूद चेक पॉइंट पर पहुंचना, और वो भी 2 घंटे के अंदर। हर कैडेट कैरी कर रहा है पीठ पर 14 किलो हैवरसैक। आगे है एक 4 kg की इंसास राइफल। जंगल बूट्स और एंकलेट्स पहने ये कैडेट्स तैयार हैं आगे एक लंबे और थकाने वाले दिन के लिए। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कैडेट रोहन सिंह पाल की तबीयत बिगड़ गई है। टीम पक्का करती है कि हर कोई हाइड्रेटेड रहे और कुछ वजन कम कर दिया जाए कैडेट पाल का। इन 3-4 दिनों में इन्हें ट्रेनिंग के डिफरेंट फेजेस से गुजारा जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि 3, 4 या 5 दिन तक इन्हें सोने का बिल्कुल वक्त ना मिले। जब ये स्ट्रेस फेस कर रहे हों तो हम ये चाहते हैं कि ये टाइमली डिसीजंस लें, और इसीलिए हम इनका रूटीन इतना टफ बनाते हैं ताकि जब भी मुश्किल हालात आएं उस समय ये अपने साथियों को लीड कर सकें। दिन निकल आया है, लेकिन उस घने ट्रॉपिकल जंगल में रोशनी उतनी नहीं है जिसमें कैडेट्स दौड़ लगा रहे हैं। यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अपना रास्ता पता करने के लिए कैडेट्स कंपास और नेविगेटर के स्किल के भरोसे हैं। कैडेट पाल के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। इनका दिल दिमाग तो मजबूत है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। कैंप रूल के मुताबिक चेक पॉइंट पर हर टीम के उतने ही साथी होने चाहिए जितने चले थे, नहीं तो वो पॉइंट्स गवा देंगे। ये इनमें वॉरियर्स ईथॉस भरने के लिए किया जाता है, जो है नेवर लीव बिहाइंड अ फॉलन कॉमरेड। कैंप के दिन चैलेंजेस से भरे होते हैं, और अब अगला चैलेंज है राफ्ट मेकिंग।
हर कैडेट को ये 4 किलो के मेटल ड्रम्स कैरी करने होते हैं। सदर्न इंडिया की झुलसाने वाली धूप में ट्यूबुलर वेट को बैलेंस करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उनका जोश अभी भी बुलंद है। अब हम करेंगे ये कि हम राफ्ट प्रिपरेशंस को अंडरटेक करेंगे। सेक्शन कमांडर सर, आस्क देम हाउ इज द जोश। चैलेंज है 4 आइटम्स की मदद से एक राफ्ट बनाना जिसमें शामिल हैं प्लैंक्स, रोप्स, प्लाईवुड और ड्रम्स। इसमें इनकी नॉट मेकिंग स्किल्स भी मार्क की जा रही हैं, जो नेवी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब नॉट्स जो सिखाई जाती हैं, ये सब सीमनशिप नॉट्स हैं। इन्हें मरीनर्स यूज करते हैं सी में और साथ ही हार्बर में भी। इस एक्सरसाइज में रीफ नॉट, क्लोव हिच और मरीनर्स नॉट बहुत काम आने वाली हैं। कम ऑन गाइस, जल्दी करो, दे आर ऑलरेडी रेडी। हमें भी जल्दी करनी होगी, कम ऑन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं, सीमनशिप जो स्टडी कर रहे हैं क्लास में, हम वो यहीं पर करते हैं। फिलहाल जो हम कर रहे हैं बैक वाटर्स में, वो सारा काम है आर्म पार का या मसल बार का और टेक्निक का, कि कैसे इस राफ्ट को एकदम स्ट्रेट बनाया। टीम्स ड्रम्स को आपस में बिल्कुल टाइट बांधती हैं। फाइनली अब वक्त है बैक वाटर में उनके बनाए राफ्ट्स को परखने का। थके कैडेट्स आराम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके सामने एक के बाद एक चैलेंजेस आते जाते हैं। All right, listen up. हम सब यहाँ ऑब्स्टेकल कोर्स पर हैं, सब तैयार हैं? Yes, sir. How's the josh? Fine, sir. Go. कैंप की डिजाइनिंग बहुत टफ है, जिससे कैडेट्स में हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में लीडरशिप क्वालिटीज पैदा हों। ऑब्स्टेकल कोर्स, नाइट नेविगेशन, बैक वाटर्स में स्विमिंग, टेंट पिचिंग और दूसरी तमाम एक्टिविटीज फिजिकली और इमोशनली डिमांडिंग है। ये कमाल का लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। इसने बेसिकली हमें सिखाया कि मुश्किल हालात में कैसे सर्वाइव करना है, और साथ ही चेक किया गया जो कुछ भी हमने सीखा है उन एक्टिविटीज के जरिए जो हमने परफॉर्म की हैं। आखिरकार ये इंटेंस और ग्रूलिंग कैंप खत्म होता है। एकेडमी कमांडेंट आकर कैडेट्स को बधाई देते हैं।